हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंट डीसी। जैसा कि आप पढ़ ही चुके होंगे कि आज हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना चाहते हैं, कंड्यूट वायरिंग जो अंडरग्राउंड रूफ के ऊपर की जाती है, यानी कि छतों के ऊपर की जाती है, और उसके बाद जड़ियां लगा के वॉल के अंदर तो उसको अंडरग्राउंड करके इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम पहले सबसे उसकी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद हम उसको करके दिखाएंगे आपको। तो चलो चलते हैं डायग्राम की तरफ। आपका वक्त बचाते हुए मैंने ये डायग्राम पहले ही बना रखी है जिसकी आज हम वायरिंग करेंगे। तो इसके ऊपर हम अपनी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग अभी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये एक कमरा है, ये आप देख सकते हैं। इसकी सबसे पहले हम पैमाइश करेंगे। इसकी दोनों साइडों से, अंदर वाली साइड से अगर करनी है तो आप लोगों को अंदर वाली साइड से करनी पड़ेगी हर हिस्से की। अगर बाहर वाली साइड से आप लोग करेंगे तो बाहर वाले हिस्से की करनी पड़ेगी। तो इसका जो सेंटर आएगा, इसके सेंटर में हमें एक फ़ैन बॉक्स रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इधर आ रहा है तो इधर हम फैन बॉक्स रखेंगे। ये हमारा फ़ैन बॉक्स आ चुका है। उसके बाद हम इसकी जो एलईडी लाइट्स हैं उसके पॉइंट्स रखेंगे। अगर हमारे कमरे का हजम ज़्यादा है तो उसमें हम उसके मुताबिक ज़्यादा लाइटें रखेंगे। जैसे कि ये जो हमारे पास अभी रूम है, इसका हजम इतना ज़्यादा नहीं है तो इसके अंदर हम कम मुनासिब ही लाइटें रखेंगे। तो इसको हम करेंगे कि ये जो हिस्सा है, इस हिस्से से इस तरफ 3 फीट और फिर इस हिस्से से इधर 3 फीट, ऐसे ही चारों कोनों में हम इसकी पुमाइश करके तो इसकी एलईडी लाइट्स जो हैं वो रख देंगे। ठीक है, आप समझ ही चुके होंगे। आगे हम इस चीज़ को करके भी देखेंगे। जैसा कि एक लाइट हमारी इधर आ गई, उसके बाद दूसरी इधर आ गई, तीसरी इधर और चौथी इधर। उसके बाद ये हमारा सीढ़ी है इधर, तो ये ममटी है सबसे ऊपर वाले फ्लोर वाली। तो ममटी के ऊपर इधर सीढ़ियों के लिए एक रख देंगे हम, और एक इधर डोर के लिए। उसके बाद ये आगे शेड है तो शेड में भी हम लाइटें देंगे। दोस्तों, आपने कस्टमर के मुताबिक, अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लाइटें रखनी है। ना तो ज़्यादा लाइटें रखनी है, ना ही इतनी कम रखनी है कि कल को आपको रोशनी की कमी महसूस हो। ये आप देख सकते हैं, हम इस तरह कुछ लाइटें रखेंगे उसके अंदर। तो हम ये करके भी देखते हैं आगे चल के। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो पॉइंट आने हैं, यानी कि जैसे कि स्विच बोर्ड है और उसके बाद डीबी वगैरह जिधर से हमने मेन लेनी है उसके पॉइंट आने हैं, तो उसके मुताबिक हमें ये काम करना होगा। तो ये दरवाज़ा खुलते ही दरवाजे के पीछे नहीं रखना पॉइंट, इस चीज़ का आपने मद्देनजर रखना है। जैसे कि दरवाज़ा इस तरफ खुल रहा है तो इसकी ओपोजिट साइड जो है उसके साथ हम इसका पॉइंट रखेंगे। आप देख सकते हैं इधर हम इसका पॉइंट रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि ये दरवाज़ा है इस तरफ खुल रहा है तो हम इधर पॉइंट रखेंगे इसका। और इस जगह पर पॉइंट रखेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पर इधर आ गया। और उसके बाद इस जगह पर हम बेड अपना रख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। इधर हमारा बेड आ गया और इसके साथ जो है साइड टेबल आ गए। दोस्तों, आप लोगों ने पुमाइश करके देख लेना है कि हमारा जो बेड है वो इधर हमारे पाकिस्तान में तो 6 फीट का चल रहा है। अगर आपके इलाके में ज़्यादा बड़ा है तो आपको उसके मुताबिक उसकी पुमाइश देखकर फिर रखना होगा। तो इधर हमारे यहाँ तो 6 फीट का होता है, इसलिए हम इधर जो इसका पॉइंट देंगे देख सकते हैं, और दूसरी जगह इधर पॉइंट देंगे हम इसका। उस
उसके बाद इधर हम इसकी एलईडी वगैरह का इधर स्विच के साथ ही ले जाएंगे नीचे से, ठीक है। वो भी हम आपको शो करवाएंगे, अभी दिखाएंगे। उसके बाद एक इधर पॉइंट रखेंगे हम इस जगह पर, तो ये ममटी है, इसलिए हम इधर हम डीबी नहीं लगा रहे, डीबी हमें नीचे से ही पॉइंट मिल रहा है। तो हम वो भी आप लोगों को दिखाएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ कंड्यूट की जो ऊपर वाली रूफ के ऊपर अंदर काम होता है वो दिखाएंगे आपको। दोस्तों बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, आपको करके भी दिखाएंगे हम अभी। और आप लोगों को इन चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा कि आप किस जगह पर काम कर रहे हैं और उनको नेक्स्ट टाइम किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। इधर आप एसी का पॉइंट इस जगह पर भी रख सकते हैं, अगर इधर मुनासिब नहीं है तो आप उसकी जगह चेंज भी कर सकते हैं, इस जगह भी रख सकते हैं एसी का पॉइंट, ठीक है। और इधर आपका एलईडी का पॉइंट आएगा, एलसीडी वगैरह का। चलो नेक्स्ट हम करके देखते हैं, अभी चलते हैं अपनी दूसरी वीडियो की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास एक फ़ैन बॉक्स आ चुका है और उसके बाद हम पमाइश करेंगे। ये आप देख रहे हैं हमारे पास इंची टेप है, मीटर टेप नहीं है। तो इंची टेप से हम इसकी पमाइश करेंगे। 14 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, और 7 फीट इसका हाफ आ चुका है, 7 फीट पे रख देंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह ही हम पमाइश करेंगे। तो 3 3 फीट पर हमने ग्लास रखने होंगे इसके, ये जो लाइटों के लिए एलईडी लाइट्स और होल्डर वगैरह कुछ भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं अपने मुताबिक। वैसे बेस्ट तो एलईडी लाइट्स हैं। 3 3 फीट चारों कोनों पे हम ऐसे ही करेंगे। अभी मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में कोई कन्फ्यूज़न या कोई चीज़ ना रह जाए। अगर कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ हो जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही आप लोगों को, तो आप कमेंट्स के अंदर वो पूछ सकते हैं। या आप देख सकते हैं बहुत इजी है। 3 3 फीट पे हमने रख दिया। उसके बाद हमने पाइप ले लेने हैं, 3 4 के हम पाइप इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको पोनी बोला जाता है। उसके बाद हम कार्टन टेप ले लेंगे। कार्टन टेप लेकर हम इसके जो मुंह है वो बंद कर देंगे ताकि उसके अंदर सीमेंट ना जाए। अगर उसके अंदर सीमेंट चला गया तो ये बंद हो जाएंगे और काम नहीं देंगे। हमको अच्छे से इसका मुंह बंद करना होगा और हर पाइप के सिरे के आगे ये ज़रूर करना है। फिर मैं आपको इजीली स्लोली स्लोली हर चीज़ को बताऊंगा वाजिया करके, वीडियो बेशक लंबी हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास 4 एलईडी लाइट्स थी, तो चारों को हमने ये पाइप दे दी है। सेंटर में हमारा फैन बॉक्स आ गया है, बाकी वो चारों कोनों में हमारी लाइटें चल गई हैं। ये जो पाइप है इसके दूसरे जो सिरे हैं उनके ऊपर भी हमने टेप कर लेनी है, इसी तरह जिस तरह हमने इन सिरों के आगे की थी। और जो नीचे पाइप लेकर जाना है, जो बेंड इस्तेमाल हम करेंगे डाउन करने के लिए, तो उधर हम लोगों ने चीजल यानी कि छेनी और हैमर की मदद से करीबन दो दो ईंटें जो हैं यानी कि 6 इंच हमने उसको डाउन करना है, नीचे करना है उसको। वो मैं आप लोगों को करते हुए नहीं दिखा सका, लेकिन वो चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जिस वक्त हम बैंड लगाएंगे उस वक्त मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा वो क्या करना है। हमने प्लायर लेकर उसकी मदद से इसके अंदर होल कर लेना है। इसके अंदर ऑलरेडी होल होता है, वो सिर्फ बस ऐसे ही हल्की सी ठोकर लगाने से वो खुल जाएगा इसका रास्ता। ये जिस जिस साइड पे हमारे ग्लास हैं उन्हीं उन्हीं साइडों पे मैंने ये पाइप पहुंचा दी है। और ग्लासेस की
अंदर भी हम उसी तरह सुराख करेंगे ताकि वो आगे पीछे गुजर सके। ये दो लग चुके हैं हमारे, दो रह चुके हैं, उन दोनों के अंदर भी ऐसे ही। ये देख रहे हैं आप, ये चारों ग्लास हमारे हो चुके हैं। अब हम इसकी मेन वायर जो है वो डालेंगे, उसके साथ जो आगे पीछे डाउन करनी है वो। और ये जो हमारी मेन है इसके आगे भी हम टेप करेंगे। तो डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता चल सके हम कौन कौन सा सामान इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो ये जिस जगह हमने इसको डाउन करना है उस जगह के लिए हमने पाइप ले ली है, उतने पाइप जितनी जगह से हमने डाउन करना है इसको। मैं आपको डायग्राम में पहले दिखा चुका हूँ कि हम किन जगह से डाउन करेंगे। ये बहुत ही सिंपली काम है। हमने इन पाइपों के सिरे भी बंद कर लिए हैं ताकि इनके अंदर मसाला जो सीमेंट वगैरह वो ना जा सके। अभी हम प्लायर की मदद से दोबारा इनको अंदर घुसाएंगे। ये कम से कम हमको 2-2 इंच अंदर इसके घुसाने होंगे ताकि ये बाहर ना रह सके। ये पाइप लगाने के बाद ये जो नीचे सरिया है इसको ऊपर उठाया जाता है तो 1/2 इंच का इससे फ़र्क पड़ जाता है, पाइप बाहर निकल आते हैं। तो हमने इनको बांधना भी है। सरिया बांधने के लिए जो वायर इस्तेमाल की जाती है उसी वायर के साथ हम इसको बांधेंगे। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से ये काम किया है। आपने भी इन चीज़ों को ही फॉलो करना है। ये आप देख सकते हैं हमने इधर नीचे सुराख किया हुआ है। आपको ये करते हुए मैं नहीं दिखा सका, बस ये आप लोगों ने सीधा सीधा सुराख करना है। अगर ईंटें लगी हुई हैं तो 2 ईंटें, वरना नहीं तो 6 इंच। अब हम पाइप को काट लेंगे। बेंड को रखने के बाद जितना पाइप उसके अंदर जा रहा है उतना हमने रखना है। उसके बाद इसके लिए ये सॉल्यूशन गम वगैरह यूज़ करनी होगी, पीवीसी पाइप में जो यूज़ होती है वो वाली। उसके बाद ये टेप भी कर देंगे इसके ऊपर। टेप इसलिए की जाती है ताकि अगर इसको कोई ठोकर वगैरह लगे तो ये इसके अंदर से निकले नहीं, कोई दूसरी तरफ भी इसी तरह। अब लोग देख रहे हैं जितना उसके अंदर जाना है पाइप उतना हम रख रहे हैं, बकाया पाइप हम काट रहे हैं। दोस्तों पाइप को ज़्यादा छोटा नहीं करना, बेंड को ज़्यादा आगे नहीं लेकर आना और ना ही ज़्यादा पीछे लेकर जाना है। इस चीज़ को आपने अपना लेना होगा अच्छे तरीके से। देख रहे हैं इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखना है इसको, टेढ़ा भी नहीं रखना। अगर हम इसको टेढ़ा रखेंगे तो हमारे नीचे वाले पाइप जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे, साइडों पे जाएंगे और वो पंच हो जाएंगे आगे वाले हिस्से से। ये हमारे बेड के पॉइंट आ रहे हैं, ये जो बेड के ऊपर ब्रैकेट लाइट्स लगती हैं उनके लिए और नीचे लैंप वगैरह के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि हम दीवार के अंदर कितना कर रख रहे हैं पाइप को।
उसके बाद क्या करना है, हमने एक शॉपर लेना है, उसके अंदर सीमेंट की जो बोरी है, थैली है, उसको थोड़ा सा फाड़ कर लेना है और ग्लास के अंदर रख देना है, यानी कि जो हमारी एलईडी लाइट का ग्लास है उसके अंदर। उसके बाद सरिये वाली वायर लेनी है, पाइप को अच्छी तरह दबा के उसके साथ बांध देना है। हम इसको इसलिए बांध रहे हैं ताकि ये बाहर ना निकल सके, आगे पीछे ना जा सके। इसके ऊपर रेड़ी वगैरह का या लोगों का आने जाने का रास्ता बनना है, गुजरना है लोगों ने, तो गुजरने की वजह से ये आगे पीछे हो सकते हैं। दोस्तों पाइप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिएगा ताकि बाद में आप लोगों को कोई मसला ना बन सके। और ये बांधना आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग के पास कोई इस तरह का आ रहा है कि पाइप लेंथ लंबी है तो उधर जोड़ लगाना है, तो आपको सॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं सॉकेट के अंदर अच्छे तरीके से गम लगानी होगी दोनों साइडों पे। गम लगाने के बाद उसके ऊपर पीवीसी टेप कर देंगे हम। टेप को अच्छे तरीके से करना है और सॉकेट की दोनों साइडों पर हमने बांधना है। सरिये को बांधने वाली वायर के साथ अच्छे तरीके से बांधना है, इसको दबाकर। वायर को इसलिए अच्छे तरीके से बांधना है कि ये जो हमारे मिस्त्री वगैरह लोग हैं जिन्होंने ये लेंटर डालना है, उन्होंने इस सरिये को ऊपर उठाने के लिए नीचे छोटी छोटी कैंकरियाँ रखनी है। तो कैंकरियाँ रखने से ये होगा, ये ऊपर उठ जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं ये जिस तरह हमने डायग्राम पे बनाया था सेम उसी तरह है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।